दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के सभी कंटेस्टेंट को बिग बॉस की तरफ से इस सीजन का सबसे बेहतरीन टास्क मिल चुका है, जो कि दोस्तों वीआईपी मेंबर के लिए है। यानी कि घर के अंदर बनने वाली वीआईपी जोन में जो इस टास्क को जीतेगा उसको सबसे पहले मेंबरशिप मिल जाएगी और वो घर का सबसे पहला वीआईपी मेंबर भी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस टास्क की पूरी स्पेशल पावर उमर रियाज, जो कि घर के कैप्टन है, उन्हीं के हाथों में दी गई है। इस टास्क के दौरान दोस्तों घर के सभी कंटेस्टेंट को अपने अपने बेल्ट पहनने होंगे जो कि रस्सी के सहारे जुड़े होंगे, और घर के सभी कंटेस्टेंट का जो कनेक्शन है वो उमर रियाज से जुड़ा हुआ रहेगा। यानी कि सभी को अपनी अपनी रस्सी उमर रियाज से जोड़कर रखनी होगी। वहीं दोस्तों बजर बजने के साथ साथ उमर रियाज जिस कंटेस्टेंट को चाहते हैं उसको अपनी मर्जी से टास्क से बाहर भी कर सकते हैं, यानी कि वो इस रेस से बाहर हो जाएगा। वहीं दोस्तों टास्क की शर्तें कुछ ऐसी है कि ना तो इस टास्क के दौरान कोई कंटेस्टेंट वॉशरूम एरिया में जा सकता है, ना ही वो किसी प्रकार के गाने गा सकता है, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता और नाच भी नहीं सकता। इसके अलावा वो जितना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के आधार पर उमर रियाज इस टास्क में कंटेस्टेंट को विजेता घोषित करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा कि आज उमर रियाज इस टास्क में किसको विजेता बनाते हैं। वैसे दोस्तों देखा जाए तो उमर रियाज ने बीती रात को ही तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को कहा था कि वो ही इस घर के अंदर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर उनको कोई विशेष अधिकार मिलता है तो इसका सीधा सीधा फायदा तेजस्वी और करण कुंद्रा को ही होगा। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि क्या उमर रियाज अपने वादे पर टिके रहते हैं या फिर वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सिम्बा नागपाल इस टास्क का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सलमान खान ने उनको दंड देते हुए वीआईपी मेंबर की मेंबरशिप देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। यानी कि वीआईपी जोन के लिए किसी भी तरीके के टास्क में सिम्बा नागपाल एंट्री नहीं ले सकते। फिलहाल दोस्तों आप इस टास्क को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अनुसार कौन सा कंटेस्टेंट सबसे पहले वीआईपी मेंबर बनना चाहिए कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।